तो गाइस फाइनली आ चुकी है हमारे सामने ऑल न्यू i20 का फेसलिफ्ट वेरिएंट 2023। एंड गाइस आप देख सकते हैं इसमें हमें मिलेंगी ऑल न्यू ग्रिल, ऑल न्यू हेडलाइट्स हैं। क्या क्या नया मिलता है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड गाइस जो जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस बात करें इस i20 की, तो पहले इस i20 के प्राइस स्टार्ट होते थे 7.54 लाख से, एंड अब इसमें आपको एरा मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जिसके प्राइस स्टार्ट होते हैं अब 7 लाख से, यानी 50,000 रुपये कम में आप एक i20 ले सकते हैं गाइस। लेकिन पहले आपको मैग्ना मॉडल बेस मॉडल मिलता था, लेकिन अब मिलेगा इसमें एरा मॉडल। गाइस आप लुक देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त, पहले से भी बढ़िया कर दी गई है। गाइस इस वेरियंट की बात करें तो दैट इज़ एस्टा ऑप्शनल टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट, जिसकी एक्स शोरूम कीमत है 9.97 लाख एंड ऑन रोड पड़ेगी आपको 11.5 लाख रुपये की। गाइस पहले वाले वेरिएंट में आपको काफ़ी एक्साइटिंग ऑफर्स मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर छोड़ दूंगा, आप डीलरशिप में कांटेक्ट करके एक्साइटिंग ऑफर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं गाइस। तो गाइस ज़्यादा टाइम लेते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। गाइस शुरुआत करें इसकी हेडलाइट से, तो हम देख सकते हैं इसमें हमें ऑल न्यू हेडलाइट सेटअप मिलेगा, ऑल न्यू DRLs दैट इज़ LED, ऑल न्यू हेडलाइट्स यानी हाई बीम लो बीम सब आपको इसमें LED ही मिलेगा। लेकिन ये LED लाइट्स आपको सिर्फ एस्टा एंड एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट में ही मिलेंगे गाइस। इससे नीचे वाले वेरिएंट यानी स्पोर्ट्स एंड मैग्ना में आपको हेलोजन बल्ब्स ही मिलेंगे। लेकिन हमें जो इसमें इंडिकेटर मिला ना गाइस, वो भी अभी तक इसमें हेलोजन ही दिया गया है। इसमें अगर सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स होते तो क्या इस क्या ही बात थी। और ऑल न्यू ग्रिल मिलेगी बढ़िया सी ज़बरदस्त पियानो ब्लैक में, कट्स है ना गाइस इसमें उभर कर आ रहे हैं। एंड i20 तो गाइस जानी ही अपने कट्स की वजह से जाती थी। और इसमें ऑल न्यू बम्पर मिलेंगे, लेकिन इसमें कहीं फॉग लैंप्स वगैरह नहीं मिलेंगे हमें। और आप बम्पर में ये एलिमेंट देख सकते हैं गाइस, बूमरैंग पैटर्न का, इसमें भी पियानो ब्लैक एलिमेंट्स आते हैं, तो ये भी बहुत प्रीमियम लग रही है। और गाइस यहाँ की तरफ हमें एयर वेंट्स दिए गए हैं, लेकिन ये फेक नहीं है, रियल एयर वेंट्स हैं। यहाँ पे Hyundai की बैजिंग देखिए, बहुत ही बड़ा लोगो एंड सैटिन मैट फिनिश के साथ आता है, ब्रश्ड एल्यूमिनियम के साथ नहीं आता। रेडिएटर एंड ग्रिल में, फ्रंट ग्रिल में ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन आप ये है कि इसमें थोड़े बड़े हॉर्न तो लगवा सकते हैं गाइस। गाइस खुल चुका है इसका बोनट, एंड जैसा कि आप इंजन देख सकते हैं इसका, तो इंजन वही 1.2 लीटर कापा, और डीजल का ऑप्शन इसमें अब हटा दिया गया है, वो तो पहले ही हटा दिया गया था। इसमें टर्बो का ऑप्शन जो आपको इससे पहले वाली वेरिएंट में मिलता था, तो वो टर्बो भी हटा दिया गया गाइस। टर्बो इंजन आपको लेना है तो सिर्फ आपको N-Line के लिए ही जाना पड़ेगा। और जैसा कि इंजन की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 1.2 लीटर कापा, दैट मेक्स ऑलमोस्ट 83 BHP, और टॉर्क रहेगा इसका 114 Nm। यही इंजन आपको सेम एक्स्टर में, वेन्यू, सोनेट, i10 में यही इंजन मिलता है। इंजन बहुत रिलायबल, स्मूथ, रिफाइंड इंजन, और अब BS6 फेस 2 के साथ आता है तो ये तो और ज़्यादा रिफाइंड एंड स्मूथ हो चुका है। मेटेड विथ 5-speed गेयरबॉक्स और मैनुअल गेयरबॉक्स, एंड IVT का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। IVT में पावर थोड़ी बढ़ जाती है, दैट इज़ 88 BHP गाइस। गाइस ये है ऑल न्यू i20 की साइड प्रोफाइल, जिसमें हमें ऑल न्यू अलॉय व्हील्स मिलते हैं, एंड खास तौर ये अलॉय व्हील का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मुझे बहुत पसंद आया गाइस, दूर से ना काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। एंड गाइस डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन में स्क्रीन में आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन छोड़ देता हूँ, आप एक बार वीडियो पॉज करके इसके डायमेंशन चेकआउट कर सकते हैं। और साइड से सिर्फ हमें अलॉय व्हील के डिज़ाइन में ही फ़र्क देखने को मिलेगा, बाकी साइड से गाइस बिल्कुल सेम वैसी ही है। अलॉय व्हील का गाइस क्लोजअप देखें ना, तो ये देखिए ऑल न्यू अलॉय व्हील, 16 इंच के अलॉय व्हील मिलता है, डायमंड कट, ड्यूल टोन, सीएट के ग्रिप्स हैं, और टायर साइज रहेगा इसमें 195 का, दैट इज़ ये देखिए 195/55R16। और इससे नीचे वाले वेरियंट में, स्पोर्ट्स वेरियंट में, हमें स्टील रिम देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें व्हील कैप्स देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं 15 इंच के। एरा मॉडल में 14 इंच के स्टील रिम मिलेंगे, लेकिन अलॉय व्हील सिर्फ हमें एस्टा एंड एस्टा ऑप्शनल में ही देखने को मिलेंगे गाइस। और ऐसा सा कुछ फेंडर, ये देखिए, हालांकि धूप में कलर बार बार चेंज हो रहा है वीडियो में, कभी पिंक दिखाई दे रहा है, कभी रेड कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन है ये एक्चुअली चेरी रेड, जिसमें स्पार्कल भी हैं गाइस। फ्रंट सस्पेंशन मिलते हैं हमें मैकफर्सन स्ट्रट्स, जो कि सेम Hyundai की हर गाड़ी में मिलते हैं। व्हील आर्चेस कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन हमें बॉडी क्लैडिंग जरूर देखने को मिल जाती है गाइस, वो भी पूरी कम्प्लीटली पियानो ब्लैक में मिलती है। i20 की बैजिंग भी मिलेगी यहाँ पे, देखिए ये लगी i20 की बैजिंग, जो काफ़ी प्रीमियम लग रही है गाइस। गाइस रेयर में हमें मिलती हैं ड्रम ब्रेक्स, फ्रंट में मिलेंगे हमें डिस्क ब्रेक्स। अब अलॉय व्हील का डिज़ाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। रेयर सस्पेंशन की गाइस बात करें तो कपल टॉर्शन बीम,
वो भी हमें सेम क्रेटा एंड एक्स्टर जो भी आप हंडे की गाड़ी लीजिए सब में हमें कपल टॉर्शन बीम एक्सल्स ही आते हैं। ओवरव्यू चेकआउट करते हैं, ओवरव्यू बिल्कुल सेम जिसमें हमें टर्न सिग्नल्स भी मिलते हैं एंड ये रहने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल। क्रोम डोर हैंडल मिलेंगे विद रिक्वेस्ट सेंसर और आप यहाँ पे क्रोम लाइनिंग देख सकते हैं जो कि पूरी पीछे तक जाती है। ये देखिए पूरी पीछे तक जाती है, एक स्कॉर्पियो एन में जैसी लाइनिंग मिलती है बिल्कुल सेम वैसी ही उसी शेप की लगभग। और विंडोज़ की बात करें तो ठीक ठाक बड़े विंडोज़ हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं छोटे भी नहीं, लेकिन i20 कहीं ना कहीं i20 में ना एक स्पेस का इशू रहता है कि उसमें हमें जो हेड स्पेस है हेड रूम है वो उतना नहीं मिलता। वो भी मैं कोई बैठ के भी दिखाता हूँ। हमें जो रियर डोर में हैंडल है वो भी क्रोम मिलता है, लेकिन डोर का जो थर्ड है वो गाइस बहुत ही बढ़िया थर्ड सुन के लगता है हाँ यार कोई गाड़ी में कुछ जान है, कुछ हैवी गाड़ी है। इन गाइस गाड़ी के वेट की बात करें तो अपने कैटेगरी में सबसे वेटेड गाड़ी आती है ये। यहाँ से देखिए ये परफेक्ट कलर है, यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट रेड दिख रहा है जैसा कि सामने से दिखेगा आपको। गाइस लेट्स मूव टूवर्ड्स इट्स रेयर लुक। तो रेयर लाइट्स कुछ ऐसी मिलेंगी, लेकिन रेयर लाइट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया, बिल्कुल सेम लाइट एंड ऑल LED जेड शेप की लाइट्स आती हैं। लेकिन अभी भी इसमें जो रिवर्स लाइट एंड पार्किंग लाइट्स हैं इंडिकेटर्स हैं वो भी हेलोजन देखने को ही मिलते हैं। और ख़ासतौर पर ये जो क्रोम लाइनिंग है पूरी की पूरी जो एडजॉइनिंग क्रोम लाइनिंग है ये काफ़ी प्रीमियम लग रही है। हुंडे की बैजिंग ये भी एलुमिनियम के साथ आता है, एलुमिनियम फिनिशिंग के साथ। रेयर वाइपर मिलता है, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप्स, लेकिन ये LED नहीं है गाइस, दीज आर ऑल्सो हेलोजन बल्ब्स। और यहाँ पे शार्क फिन एंटीना दिया गया है जो कि बॉडी कलर्ड है गाइस। यहाँ देखिए इसका बम्पर कुछ ऐसा सा दिखता है और ऑल न्यू बम्पर मिलता है जिसमें हमें स्किड प्लेट, पहले जो स्किड प्लेट वाला एरिया है वो पियानो ब्लैक में देखने को मिलता था लेकिन जिसमें स्क्रैचेस काफ़ी लग जाते थे, लेकिन अब जो स्किड प्लेट है वो कर दी गई है सिल्वर एंड इसमें जो है ना इजीली स्क्रैचेस लगेंगे नहीं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी करी। एंड यहाँ पे जो मिडिल पोर्शन है ये मिलता है ऑल पियानो ब्लैक के साथ। यहाँ पे बड़े से रिफ्लेक्टर्स आते हैं और दो दो पार्किंग सेंसर मिलेंगे और रियर कैमरा यहाँ मिलेगा। अब खोलते हैं इसका बूट तो 311 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा जो कि बदलाव जिसमें बदलाव नहीं किया गया। यहाँ मिलेगी इसकी लाइट, यहाँ मिलेगा इसका हुक एंड यहाँ मिलेगा इसका बोस का सब वूफर। अभी सिस्टम पे भी आते हैं गाइस, क्या सिस्टम मिलता है। एंड गाइस ये है स्टेपनी मिलती है 15 इंच का स्टील व्हील मिलता है जिसमें 185 नंबर का टायर लगा हुआ है। ओरिजिनली बाहर लगे हैं 195 सेक्शन के टायर, यहाँ लगे हैं 185 सेक्शन का टायर। और यहाँ पे लगे प्रॉपर पार्सल ट्रे गाइस। अब चलते हैं इसकी पिछली सीट की तरफ, यहाँ नज़र डालिए सबसे बड़ा बदलाव। पहले सिर्फ हमें सिंगल कलर का इंटीरियर ही मिलता था, ओनली ब्लैक, जो कि काफ़ी स्पोर्टी फील कराता था, लेकिन अब ये स्पोर्टी के साथ साथ लग्जरी भी प्रीमियम भी फील कराएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ड्यूअल टोन इंटीरियर मिलेगा, क्रीम प्लस ब्लैक एंड ये काफ़ी प्रीमियम लगता है। मिलेगा गाइस लीवर, दिस इज़ डोर हैंडल, दिस इज़ विंडो कंट्रोल, यहाँ पे बोस की बैजिंग और 7 स्पीकर बोस सराउंड साउंड सिस्टम आता है। और यहाँ है इसका बॉटल होल्डर। और गाइस अंदर की तरफ देखें तो यहाँ हमें जो सीट्स हैं वो ऑल न्यू सीट्स मिलती हैं और फैब्रिक प्लस लेदर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि फुल्ली लेदर सीट्स मिलती हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको एन लाइन में ही मिलेगी, एन लाइन टॉप मॉडल N8 में। और 3-पॉइंट सीट बेल्ट्स मिलेंगी, प्रॉपर हेड रेस्ट मिलेंगे डिटैचेबल, लेकिन सिर्फ दो ही मिलते हैं, बीच की तरफ कोई हेड रेस्ट नहीं मिलेगा। एंड यहाँ की तरफ आर्म रेस्ट वगैरह कुछ नहीं दिया गया, तो ये मुझे कॉस्ट कटिंग लगती है कि बीच में आमरेस तो गाइस ज़रूर देना चाहिए था। और 20 की बैजिंग तो आपको गाइस दिख रही होगी। गाइस अंदर चले तो यहाँ पे मिलता है हमें AC वेंट, लेकिन AC कंट्रोल, AC ऑन ऑफ का फंक्शन भी गाइस इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन क्वालिटी तो गाइस हुंडई की प्लास्टिक की बहुत ही बढ़िया रही है शुरुआत से ही। और यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। Type-C का पोर्ट नए अपडेट में भी हमें नहीं मिला, तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। Type-C का पोर्ट तो गाइस ज़रूर देखने को मिलना चाहिए था पीछे की तरफ, लेकिन पीछे की तरफ सिर्फ USB-A पोर्ट मिलता है। और यहाँ की तरफ हमें मिलेगा ग्रैब हैंडल, बीच की तरफ मिलेगी हमें लाइट। और जो हेडरूम की बात कर रहा था तो गाइस, तो हेडरूम यहाँ पे i20 में हमेशा से कुछ कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ से कुछ स्कूप्ड आउट किया गया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेडरूम प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है। लेकिन फिलहाल जिसकी हाइट 6.5 फुट है ना उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, 6 फुट तक ठीक है। तो गाइस अब चलते हैं इसके आगे की सीट की तरफ। गाइस फ्रंट सीट में जाने से पहले दिखाते हैं इसकी चाबी, कुछ ऐसी सी चाबी, काफ़ी प्रीमियम, दोनों रिमोट कीज़ मिलेंगी।
एंड लॉक अनलॉक एंड दिस इज़ फॉर ओपनिंग द बूट। इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं मिलता। और यहाँ गाइज इसके डोर्स पे देखेंगे तो कुछ ऐसा सा स्पेस मिलेगा, एक्स्ट्रा स्पेस, लेकिन यहाँ पे एम्बिएंट लाइट ज़रूर मिलेगी। बॉटल होल्डर बड़ा सा, 1.5 लीटर की बॉटल तो गाइज ईजिली आ जाती है। और यहाँ पे गाइज हमें सॉफ्ट टच देखने को मिलता है, ये काफ़ी प्रीमियम फील करा रहा है। यहाँ पे मिलेगा ग्रैब हैंडल जिसमें सिल्वर आउटलाइनिंग भी है। दीज आर द विंडो कंट्रोल्स, ORVM कंट्रोल्स। और यहाँ पे पियानो ब्लैक नहीं दिया गया, ये थोड़ा जिसे कहेंगे कि डाउनग्रेड करा गया है। यहाँ पे पियानो ब्लैक तो गाइस ज़रूर दे देना चाहिए था, आफ्टर ऑल इट्स एक्स्ट्रा ऑप्शनल। और यहाँ पे गाइस जो लीवर है ना, इसमें ही पियानो ब्लैक देखने को मिलता है। डेड पैडल भी मिलेगा, लेकिन डेड पैडल में कोई प्लास्टिक की कवरिंग नहीं दी गई। यहाँ पे मिलेगा हमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, ऑटो ऑन ऑफ, एंड यहाँ पे मिलेगा हमें कैमरा व्यू का बटन। ये बटन दबाएंगे तो पीछे वाला जो कैमरा है वो विजिबल होगा हमें स्क्रीन में। दिस इज हेडलाइट लेवलर। यहाँ पे मिलेगा हमें AC वेंट, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। फ्रंट सीट्स में आप देख सकते हैं आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिलता है, लंबा एडजस्टमेंट, रीच, एंड यहाँ पे मिलेगा आपको लेदरेट टच। एंड अंदर की तरफ मिलेंगे आपको फैब्रिक सीट्स। तो सीट्स की कुशनिंग क्वालिटी तो खैर गाइस बहुत ही बढ़िया है। देख सकते हैं इंटीरियर में कोई बदलाव नहीं किया गया सिवाय कलर टोन के। पहले हमें सिंगल टोन ही मिलता था, ब्लैक कलर, लेकिन अब हमें मिलेगा ड्यूअल टोन, उसमें क्रीम एंड ब्लैक कलर। सबसे पहले देखते हैं इसका सेंटर लेआउट। यहाँ पे मिलेगा हमें हैजार्ड लाइट का बटन, और आप AC कंट्रोल्स, AC वेंट्स वगैरह सब देख सकते हैं। एंड यहाँ जो बटन्स हैं ना गाइस, ये बहुत प्रीमियम फील कराते हैं। एंड बटन के टचेस, बटन का फील बहुत ही अपर क्वालिटी, ज़बरदस्त गाइस। मिलेगा हमें वायरलेस चार्जर जिसमें हमें एम्बिएंट लाइट का सपोर्ट भी मिलेगा, टाइप सी का पोर्ट। और यहाँ पे सॉकेट मिलेगा 12 वॉट का, टाइप ए का पोर्ट। एंड यहाँ पे गाइस पूरी फुल्ली रबराइज पैडिंग दी गई है ताकि आप फ़ोन रखें तो फ़ोन स्लिप ना हो। एंड ये है इसका गियर लीवर, इसमें भी जो है पियानो ब्लैक प्लस सिल्वर, एंड ये है लेदर, तो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। यहाँ की तरफ गाइस हमें ड्यूअल कप होल्डर मिलते हैं, ये है इसका हैंड ब्रेक लीवर। एंड यहाँ पे इसका आर्मरेस्ट जो कि स्लाइडिंग के साथ आता है। और यहाँ पे मिलेगा थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस गाइस। अब ग्लव बॉक्स की बात करें तो डिसेंट साइज और कूल ग्लव बॉक्स मिलता है गाइस। आप इसका लेआउट देख सकते हैं, इसका क्लस्टर का लेआउट बहुत प्रीमियम लगता है, वेन्यू से एक्स्टर से तो बहुत ही बढ़िया। एंड ख़ासतौर ये जो सुइयां आती हैं ना, हालांकि है फुल्ली डिजिटल, लेकिन जब ये सुइयां चलती हैं ना तो ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक्स्टर में यानी वेन्यू में जो उसका कंसोल आया है, जो उसका क्लस्टर आया ना, वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये गाइस बहुत ही स्पोर्टी फील कराता है गाइस। और अब बात करें इसके इन्फोटेनमेंट की, तो 10.25 इंचेस का हमें इसमें इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और टच रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया। लेटर ये देखिए, इन इसमें गाइस इन बिल्ट नेविगेशन भी मिलेगा। और गाइस ये जो स्क्रीन है वो बिल्कुल सेम आपको वरना जैसी ही मिलेगी गाइस, जैसे सेम वरना का लेआउट, इंटरफेस, फॉन्ट्स वगैरह है ना, इसमें भी बिल्कुल सेम गाइस आपको वैसा ही मिलेगा। इनबिल्ट नेविगेशन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब आपको इसमें मिल जाता है। एंड बोस का प्रीमियम सराउंड साउंड सिस्टम विद 7 स्पीकर आपको इसमें सिस्टम मिलता है गाइस। स्टीयरिंग की तरफ गाइस आप देख सकते हैं जिसमें हमें डिकट स्टीयरिंग मिलता है। एंड साथ में एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल प्लस टेलीस्कोपिक बोथ एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। यहाँ की तरफ हमें इन्फोटेनमेंट कंट्रोल, कॉलिंग कंट्रोल्स, यहाँ पे मिलेंगे हमें क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे हैं इसके वॉशर कंट्रोल्स, एंड यहाँ पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स। एंड बैक कैमरा की गाइस बात करें ना, तो ये डाला हमें रिवर्स में, तो ये गाइस कैमरा विजिबल हो गया। एंड कैमरा की क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं कहूँगा, कुड बी बेटर, लेकिन ठीक ठाक है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपने कैमरे की अलग अलग यहाँ पे व्यूइंग एंगल्स देख सकते हैं। देखिए ये कुछ जूम हो गया, तो ये फंक्शन बढ़िया है। और यहाँ पे गाइस हमें मिलेगा ऑटो डिमिंग, IRVM। एंड अभी तक यहाँ पे जो एक मेजर मिसिंग लग रहा है मुझे, ये ऑप्शनल मॉडल में भी हमें यहाँ पे डैश कैम नहीं दिया गया फेसलिफ्ट के साथ, गाइस दे देना चाहिए था। यहाँ पे मिलेगा हमें सनशेड जिसमें टिकट होल्डर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा वैनिटी मिरर, और यहाँ की तरफ हमें दिया है सन ग्लास होल्डर। यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो LED हैं। और यहाँ पे मिलेगा हमें बढ़िया सा सनरूफ, करें इसे बंद। यहाँ पे मिलेंगे हमें ग्रैब हैंडल एंड सीट बेल्ट। हाइट एडजस्टमेंट की बात करें तो ये हमें मिलती है। एंड डिटैचेबल हेडरेस, प्रॉपर डिटैचेबल हेडरेस मिलेंगे, लेकिन सीट्स की कुशनिंग और क्वालिटी गाइस बहुत ही अच्छी लग रही है। एंड ओवरऑल लुक देख सकते हैं, फील देख सकते हैं। एंड ख़ासतौर पे जो स्पीकर्स पे जो लाइन जा रही है ना, ये बहुत ही प्रीमियम लग रही है। एंड दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको i20 का फेसलिफ्ट 2023 वेरियंट एज द ऑप्शनल वेरियंट अच्छा लगा हो।
एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक द वीडियो। जो जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको बैक टू बैक ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आपका कोई भी क्वेरी हो तो डू लीव अ कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर, बाय बाय गाइस।